नागपुर की प्राइवेट लैब पैसे लेकर लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव या पॉजिटिव दिखा रही है। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने नागपुर के बायोपैथ लैब और मेट्रो लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा दिए गए रिपोर्ट की सत्यता जानने के बाद ये खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। बायोपैथ ने पहले रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाई, बाद में मेट्रो लैब ने बिना स्वैब लिए ही उस व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव दिखाई, जिससे नागपुर में पैसे देकर लोगों की रिपोर्ट निगेटिव या पॉजिटिव दी जा रही है, ऐसा खुलासा हुआ है। नागपुर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी के फेहरिस्त में एक मामला ऐसा भी आया है जहां पर पैसे लेके जो है पॉजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है जहां उन्होंने ये बात का खुलासा किया है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं जो दस्तावेज है, उसमें बायोपैथ नाम का जो लेबोरेटरी है वहाँ पर एक व्यक्ति की रिपोर्ट आप देख सकते हैं तो पॉजिटिव दिखाई गई है। ये रिपोर्ट जो है वो 11 मार्च की है, उसी के बाद जो है 12 मार्च की रिपोर्ट आती है मेट्रो लैब की, जो ये बताती है कि ये जो व्यक्ति है ये निगेटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो निगेटिव है। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि मेट्रो लैब ने इनका स्वैब भी नहीं लिया, इनका सैंपल नहीं लिया, बिना सैंपल लिए ही जो है वो रिपोर्ट अपने दे दी है। तो एक आरोप इन्होंने किया है कि नागपुर में कुछ ऐसे लेबोरेटरी है जो बिना पैसे लेकर जो है वो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए राष्ट्रवादी के विशाल खांडेकर है। सर, क्या पूरा मामला है कि आपने जो डॉक्यूमेंट हमें दिए हैं, क्या आपने तफ्तीश की इस बारे में? हमारे नागपुर करके एक हमारे व्यक्ति है, हमारे जान पहचान के व्यक्ति है, वो 13 तारीख को उन्होंने हमारे पास एक लिखित कंप्लेंट दी है कि 11 तारीख को इन्होंने बायो लैब से अपनी टेस्टिंग करवाई है। और उनकी जब टेस्टिंग करवाने के बाद में ये व्यक्ति की जब शाम के वक़्त में इनकी प्राइवेट बस सैनी ट्रेवल से इनको हैदराबाद जाना था और हैदराबाद से इनको दुबई जाना था। जो व्यक्ति ने इनका वाला घर से सैंपल जो व्यक्ति लेके गया तो उसको मालूम था कि इनको दुबई जाना है। बायो लैब का व्यक्ति ने कर्मचारी ने वहाँ से इनका सैंपल लेके गया। लेने के बाद में 12 तारीख को जब व्यक्ति के जो हमारे जिन्होंने हमारे पास में कंप्लेंट की है वो व्यक्ति को जब रिपोर्ट मिली नहीं तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया कि भैया आपने अभी तक हमारी वाली रिपोर्ट भेजे नहीं है। तो उस व्यक्ति का कहना ऐसा हुआ कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो व्यक्ति ने हमारे पास में कंप्लेंट किया उन्होंने बोला कि भैया हमारे आपने मुझे कल ही बता देना था तो मैं कल नहीं निकलता था, आपने मुझे बोले कि आपकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, आप जा सकते हो और आप अभी बोल रहे हो कि क्या। तो उस व्यक्ति ने बोला है, उस बायो क्लैब के जो कर्मचारी है उसने बोला कि आपको अगर इसकी निगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति ने पूछे कि बोले जब मेरे मैं निगेटिव था तो आप बोल रहे हो बोले कि मैं पॉजिटिव हूँ, फिर भी क्या हो सकता है? क्योंकि अभी उसको जाना जरूरी था, काम का सिलसिले काम का प्रॉब्लम था, उसको जाना जरूरी था। उसने बोला कि सर ठीक है, आप जो करना चाहते करिए और आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कुछ अमाउंट उन्होंने गूगल पे के जरिए से बायो लैब का जो कर्मचारी है उन्होंने गूगल पे के ऊपर में पैसे मंगवाए और उनको जिस बायो लैब का जो कर्मचारी उसी ने मेट्रो लैब जो है वो मेट्रो लैब से उन्होंने निगेटिव रिपोर्ट उनको भेजी गई है। हमारा राष्ट्रवादी का कहना ऐसा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव था आपने उसको निगेटिव की रिपोर्ट भेजी, एक्चुअली वो रिपोर्ट ही निगेटिव थी। क्योंकि बायो लैब का जब पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो दुबई के अंदर में वहाँ पे जाने के बाद में उनकी टेस्टिंग हुई है, वहाँ पर भी वो निगेटिव आई हुई है। मतलब बायो लैब ने इनकी जो रिपोर्ट थी वो झूठी बनाई क्योंकि उनको मालूम था कि ये व्यक्ति को दुबई जाना है और ये पैसे दे सकते हैं। उसी तरह से मेट्रो लैब ने भी जो रिपोर्ट दी है निगेटिव की, जबकि जो व्यक्ति उस लैब के अंदर में उन्होंने अपना सैंपल ही नहीं दिया, वो व्यक्ति की बिना सैंपल लिए हुए उस व्यक्ति का निगेटिव रिपोर्ट दिए, इसमें सब भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रश्न, ऐसे अनेक लोग होंगे जिनके साथ में ये बायो लैब हो गया, मेट्रो लैब हो गया, जो यहाँ पे जो अपने नागपुर शहर के अंदर में जो लैब काम कर रही है, बहुत सारी लैब ऐसी है कि जो सिर्फ व्यक्ति को देख कर पैसे लुभाने का काम ये व्यक्ति लैब। कितना पैसा इनके तरफ से लिया गया है? जो बंदा आपने कहा कि बायो लैब की जो रिपोर्ट है वो पहले पॉजिटिव आई है और जब वो दुबई गए थे तो वो निगेटिव, उन्होंने दुबई जब टेस्टिंग किया तो निगेटिव आई है, कितना पैसा इनसे लिया गया है? हमारे जो माहिती भी मिला हमको इनके माहिती के हिसाब से 7,500 से 10,000 के बीच में लिया गया है। अभी नागपुर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऐसे जो लैब्स के तरह जो गलतियां हो रही है या फिर गलतियां हो या पैसे लेके किया जा रहा हो जैसे आप आरोप कर रहे हैं, तो इसके कारण भी नागपुर में केसेस बढ़ रहे हैं या केसेस बढ़ने का जो आंकड़ा है वो दिखाई दे रहा है, आप कैसे कहना? देखिए, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस प्रकार से लैब ये महानगर पालिका को अपनी रिपोर्ट सादर करती है कि हमारे लैब से इतनी इतनी टेस्टिंग हुई है, तो
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गोरख धंधा है और पूरी मिलीभगत, क्योंकि इसका नियंत्रण सिर्फ महानगर पालिका के ऊपर में है। महानगर पालिका ये लैब के ऊपर में नियंत्रण करती है। महानगर पालिका कहीं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ आंकड़ेवारी लोगों को दिखाया जा रही है और वो आंकड़ेवारी से लोगों को डराया जा रहा है। ये मनमानी कारोबार जो है वो प्राइवेट लैब्स कर रहे हैं आपके? जी बिल्कुल, मनमानी कारोबार चल रहा है। इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान आता होगा, उस अनुदान के माध्यम से लोगों से पैसे चीरने के माध्यम से इस प्रकार से ये लूटमार इन्होंने प्राइवेट लैब वालों ने शुरू करके रखी है। अमरावती में जो केसेस हुए थे, जहाँ पर केसेस बढ़ रहे थे, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी के भी नाम सामने आए थे, इंश्योरेंस के लिए लोग पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे थे, क्या नागपुर में ऐसा प्रकार हो सकता है? इसके बारे में हम लोग खुलासा नहीं कर सकते कि उसकी सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का थोड़ा बहुत फ़र्क है। हो सकता है कि ये प्राइवेट लैब वाले कुछ ना कुछ मिलजुल के कुछ ना कुछ तो चल रही इनकी खिचड़ी है, जो अभी हम लोग कल जिस प्रकार आयुक्त साहब से मिलेंगे और पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी हम लोग निवेदन देंगे कि इनके ऊपर में जो लैब वाले हैं जिन्होंने इस प्रकार से काम किया, इनके ऊपर में गुनाह दाखिल किया जाए और जो भी सच होगा वो कुछ दिनों के इसमें सामने जरूर आएगा। आपने इसके संदर्भ में अभी पुलिस कंप्लेंट की है या फिर राष्ट्रवादी का आगे का कदम क्या होगा कि ऐसा जो चीज़ें हैं वो ऐसे ना हो आगे? पहला कदम ने तो आज हम लोग ने प्रेस के माध्यम से आप लोगों और सामने नागपुर की जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा इस नागपुर शहर में हो रहा है। कल हमारा निवेदन रहेगा महानगर पालिका के आयुक्तों को, पुलिस कमिश्नर को, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की हम मांग करेंगे। अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर में, आने वाले एक 8 दिन के अंदर में अगर इनके ऊपर में गुनाह दाखिल और ये जो लैब है इनकी इनका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल नहीं किया गया, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चाहे फिर हमें अपने हाथ में कायदा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर भी हम लोग कायदा लेंगे और नागपुर की जनता को इस जो भोसड़ कार्यकर चल रहा है इससे छुटकारा पाने के हम लोग दिलासा देंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि नागपुर में कहीं ना कहीं जो है वो प्राइवेट लैब्स के द्वारा ऐसे चीज़ें की जा रही है कि कुछ पैसा लेकर किसी की रिपोर्ट निगेटिव की जा रही है तो किसी की पॉजिटिव की जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।